दिया, ठोक दिया, ठोक दिया भाई को, ठोक दिया। अभी हमारी प्रोजेक्ट कार रेडी भी नहीं हुई थी, कोई भाई पहले हमारे लोहे की बम्पर की टेस्टिंग करवा गया, ठोक के चला गया कोई। उसका कबाड़ा हो गया, आवाज मार रहे मेरे सर, रोको 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 रो, रो, रो। हाँ ये क्या कर रहे हो? अरे वाह यार, क्या लग रही है पीछे से कार नहीं लग रही अभी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज आज का वीडियो मतलब इतना एक्साइटिंग होने वाला है ना, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ आज। फाइनली हमारी थार में रिम्स लगने वाले हैं, नए व्हील्स लगने वाले हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड, एंड इस मोमेंट का मैंने कितने मतलब दिनों से कितने महीनों से वेट किया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। 4 महीने हमने लगाए अलॉयज ढूंढने में, मंगाने में, उल्टा एक्स्ट्रा पैसे दे के बाय एयर भी मंगाए, एंड फाइनली दे आर हियर। जल्दी से चलते हैं आज हमारी थार में रिम्स लगवाते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसपे आप गेम खेल के एक एडिशनल अर्निंग भी कर सकते हैं। यस गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस प्लेटफॉर्म का नाम है राजबेट, एंड यहाँ पर आप 5,000 से भी ज्यादा गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हो। एंड इतना ही नहीं, हर गेम को प्रैक्टिस करने के लिए एक डेमो अकाउंट भी अवेलेबल है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? चलो मैं आप लोगों को गेम खेलकर दिखाता हूँ। ये है अंदर बाहर, सबसे पहले डीलर कार्ड दिखाता है एंड उसे सेंटर में प्लेस कर देता है। लेट सपोज वो कार्ड जोकर है, फिर हमें गेस करना है कि ये सेम कार्ड किस जगह आएगा, अंदर या बाहर। डीलर एक एक करके एक कार्ड अंदर और एक कार्ड बाहर रखता है। जब वो सेम कार्ड जो कि जोकर था टेबल पर रखता है तो आप जीत जाते हैं। वैसे मेरे पास एक तरीका है गाइस, ज्यादातर 8 कार्ड सी टेबल पर होते हैं, और अगर आपने सही बताया कि टेबल पर कितने कार्ड हैं तो आप जीत जाते हैं। इसके साथ मौज मस्ती और मुनाफा एक साथ हो जाता है, एंड यू कैन सी मैंने 200 रुपए भी अर्न कर लिए विद इन 1 मिनट। सो गाइस, यू कैन आल्सो प्ले एंड विन, और अगर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक को यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक ह्यूज बोनस। सो गाइस क्लिक वंस, राजबेट इज योर चांस। और अब जल्दी से चलते हैं हमारी थार के रिम्स लगवाने, लेट्स गो। सो गाइज वी आर ऑन द हाईवे नाउ, और भाई बालों की ऐसी बुरी हालत हो रही है, थोड़ा हम बारिश वारिश में भीग गए थे। इससे पहले उत्सव और मैं गए थे काम के लिए, वो काम करके आए हैं और फिर रजत ने हमें पिक किया। हेलो भी करना होता भाई। हेलो। हमारे सामने भाई एक भाई चल रहा है, और मैं रजत को बता रहा था भाई बड़े बड़े सर्कस में बड़े बड़े बैलेंसिंग एक्ट देखे होंगे तुमने, पर कभी ऐसा बैलेंसिंग एक्ट देखा है? स्विफ्ट के ऊपर टेप बैलेंस हो रखी है वहाँ पे, और भाई को पता ही नहीं है। ये मेरे ख्याल अभी अभी भाई स्पॉइलर लगवा के लाया, और इसने टेप ऊपर ही छोड़ दिए, बेचारे को पता ही नहीं है। बता देते हैं यार भाई को, ले इसके साइड लेना, मैं बता दूंगा। अरे तो क्या हो गया यार भाई, शक्ल ऐसी हो रखी है, थोड़ी अब मेकओवर की जरूरत है। मेकओवर भी क्या, शेव शूव थोड़ी दाढ़ी सेट करानी, तो बाल कटवाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, और इतना चिपचिपा मौसम हो रखा है ना सीरियसली। और भाई एज यूजुअल जैसे हम कभी भी कुछ मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करवाने लगते हैं हमेशा बारिश हो जाती है, तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी थार के रिम्स लगाने फाइनली, और आज बारिश होगी 100%। रजत कह रहा है बाल ज्यादा खराब लग रहे हैं, कंघी चाहिए तो है। रजत तू कंघी का क्या करता है भाई? तू कंघी का क्या करता है लाडले? ये छोटे छोटे सेट करने पड़ते हैं। उल्टी दिक्कतें चल रही है यहाँ भाई की, भाई की उल्टी दिक्कत है, मेरी उल्टी दिक्कत है भाई। करली बाल होने के इतने साइड इफेक्ट है ना, मतलब एक बार जैसे सेट हो गए ना वैसे ही रहते हैं, पूरा दिन हिलते ही नहीं है। बट एनीवे भाई, दिस इज वन ऑफ दोस डेज जिस दिन मैं कैप लाना भूल जाता हूँ, और उसी दिन बालों की ऐसी हालत हो जाती है बारिश में। बट एनीवे यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी गाड़ी पिक करने के लिए। अब तरन से आज हम गाड़ी पिक कर रहे हैं, नई गाड़ी घर नहीं आ रही हमारे साथ, कभी मुझे लग भी नहीं रहा हमारी प्रोजेक्ट कार्स घर आ पाएंगी, पर हम तरन से आज गाड़ी पिक करेंगे, एंड वहां से हम जाएंगे पुनीत भाई की शॉप और उनकी नई शॉप है, एंड वहां से अलॉयज लगवाएंगे। आई थिंक सबसे पहली गाड़ी हमारी है जो शॉप से अलॉय लगवाएगी, एंड अलॉयज लगेंगे गाड़ी में, फिर हमें वापस तरन को गाड़ी देनी है फॉर द कंप्लीशन प्रोसेस, एंड एक आधे दिन में फिर अपनी थार कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी रानी घर आएगी। लंबा वेट है, आई नो थार के वीडियोस भी आप लोग मांग रहे हो, थोड़े से लेट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आज आप अलॉयज वाला ही वीडियो एंजॉय करो, क्योंकि ये अलॉयज जो है ये वन ऑफ अ काइंड है सीरियसली, एंड यू गाइज विल एब्सोल्युटली लव देम। एंड मैंने थोड़ा सा अलॉयज का स्नीक पीक आपको पिछले वीडियो में दिखा भी दिया था। सो गाइज वी आर नाउ हियर विद द थार, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू गाइज। देखो अपनी गाड़ी कैसी लग रही है अभी। अभी मैं वैसे पहले नहीं दिखाना चाहता था, बट अलॉयज हमें लगवाने दे तो दिखानी तो थी भाई अपने भाइयों को। सो जो ये फेंडर्स हैं ये भी हमने चेंज कर दिए हैं, दीज आर नॉट द स्टॉक फेंडर्स। इसमें ये डिजाइन है, बीच में ये रिपिट्स लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा एक डिजाइन एलिमेंट है, एंड ये अभी तक किसी भी थार में नहीं हुआ है, एंड तरन ने भी पहली बार किया है ये न्यू शेप थार पे, अभी किसी में भी नहीं हुआ है। पीछे से अभी आप नोटिस कर रहे होंगे टायर कैरियर हटा हुआ है, तो अभी यार सब थोड़ी एक ही वीडियो में बता देंगे, आज की वीडियो में सिर्फ अलॉयज दिखाएंगे। सो अभी के लिए हमारी थार की ऐसी लुक है, पीछे से ऐसी है विदाउट द टायर कैरियर, एंड माइंड यू गाइस अभी गाड़ी हमारी इनकम्प्लीट, अभी सारा काम हुआ नहीं है। सो दिस इज द फ्रंट, एंड यस हमने फाइनली हेडलाइट्स भी चेंज कर दी हैं, दीज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपने रजत भाई वाली वीडियो में देखा होगा, उसकी गाड़ी में भी यही हमने लगवाई। अभी कुछ भी कम्प्लीट नहीं है गाइस, सब कुछ इनकम्प्लीट है, आप देख सकते हो अभी फॉग लैंप्स वगैरह भी नहीं है, अंदर की रबर वगैरह भी नहीं लगी हुई, अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ, गाड़ी पूरी इनकम्प्लीट है। अभी अलॉयज लग जाएंगे, उसके बाद गाड़ी हम वापस तरन के पास यहाँ पर छोड़ेंगे, फिर गाड़ी अपनी पूरी कम्प्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि मैं एक बार जितना अभी हमने वेट एड ऑन किया गाड़ी पे, ये बम्पर का, पिछले बम्पर का, रॉक स्लाइडर्स का, एक बार ये देखना चाहता हूँ कितना वेट एड ऑन हुआ है। तो जल्दी से आज अपनी थार को चला के देखते हैं, और मैं इतने टाइम बाद आज अपनी थार चला रहा हूँ ना भाई,
बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अपनी थार चलाने के लिए आज। चलो भाई लेट्स गो। A few moments later. तो भाई आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, यानी कि अपनी प्रोजेक्ट कार को शिद्दत से चाहो कि वो घर आ जाए, तो सारी कायनात आपकी मारने में लग जाती है। वही हुआ हमारे साथ भी। हमारा आज अलॉयस का काम नहीं हो पाया क्योंकि पुनीत भाई के यहाँ पर अभी नई शॉप है उनकी, अभी प्रॉपरली खुली भी नहीं है, तो इस चक्कर में अभी मशीन वगैरह फिक्स नहीं थी। अलॉयस तो आज लग जाते हैं, पर जो टायर प्रेशर सेंसर है वो नहीं लग पाते और गाड़ी में लाइट जली रहती और उसके लिए हमें दोबारा आना पड़ता। तो मैंने सोचा कि एक ही बार कल सुबह अब करा लें। आपको आवाज से पता ही चल रहा होगा आते हुए कितनी एक्साइटमेंट थी आवाज में, और जाते हुए अजीब सा लग रहा, थोड़ा बुरा सा लग रहा है। बट एनीवे कोई नहीं भाई, कल आएंगे बढ़िया दाढ़ी दूढ़ी कटवा के, बाल वाल कटवा के एकदम बढ़िया बन के, फिर आएंगे अपनी गाड़ी में अलॉय लगवाने। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल। सो गाइस इट्स डे टू। जैसा कि आप लोग बाहर देख सकते हैं कि बारिश हो रही है आज भाई, बारिश हो तूफान आए जलजला आए कुछ भी आए, आज भाई गाड़ी के रिम लगेंगे ही लगेंगे चाहे कुछ हो जाए। और अपने साथ है भाई लक्की भाई और रजत भाई है, लक्की भाई का साथ देखो और भाई है, उत्सव है। आज अगर अलॉय नहीं लगे ना गाड़ी में तो मैं थार बेच दूंगा तंग आगे बाढ़ में या प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ। ये अलॉय ने इतना डिले करवाया ना गाइस, यू कांट इवन इमेजिन। बट कोई बात नहीं, जल्दी से अब हम तरन भाई से हमारी थार उठाते हैं और उसमें अलॉयज लगवाते हैं और उसके बाद वापस थार तरन पे छोड़ के हम लोग लक्की भाई की एक्सयूवी में वापस आ जाएंगे। और एक्सयूवी चला रहा हूं भाई, सीरियसली बता रहा हूं, पैसा वसूल गाड़ी है। 30 लाख रुपए में इतने फीचर्स, ऐसी क्वालिटी, इतनी अच्छी ड्राइव, सीरियसली अमेजिंग। वैसे तो आपको पता ही है आई हेट टोयोटा इवन दो आई ओन सो मेनी टोयोटास, बट फॉर्चुनर भाई 53-55 लाख रुपए का प्राइस पॉइंट पे बेवकूफ ही लेगा कोई 30 लाख रुपए की एक्सयूवी ले आओ। बेवकूफ है बेबी, बेवकूफ है, ले रहे हैं। अच्छा पता नहीं भाई क्या दे रहे हैं उस गाड़ी में, कुछ फॉर्चुनर कोई मेजर रीडिजाइनिंग चाहिए। वो डिजाइन भी थोड़ा सा पुराना हो गया और फीचर्स वगैरह भी बहुत पुराने हो गए। आई एम श्योर बहुत जल्दी आ जाएगा, एंडेवर का भी आ ही गया, इंडिया में नहीं बाहर दुबई पर। ये पैसा वसूल गाड़ी है। ठोक दिया भाई को, ठोक दिया। लड़ो मत। अरे हमने शोर इतना मचा दिया ना, लोग घबरा गए, आसपास के सब देखने लग गए। ठोक दी वो भी ना रोक के कुछ कह नहीं रहा था, गाली गलौज होनी थी, मैंने वो ठोक दी करके उसको पंप कर दिया और वो भीड़ भीड़ के बुलेके में क्या वाले से लड़ पड़ता। नारायण नारायण, ठोक दे के साथ ये भी कर देता, मारो कर देता काम उतर के। अलॉय के बिना तो लुक ही नहीं है ना गाड़ी, एकदम वैसा लग रहा है कि वो बॉडी बिल्डर लग रहा है जिसने थाई मारी नहीं कभी। अलॉय लगते ही अभी हमारी प्रोजेक्ट कार रेडी भी नहीं हुई थी भाई, कोई भाई पहले हमारे लोहे की बम्पर की टेस्टिंग करवा गया, टोक के चला गया कोई। उसकी गाड़ी का भी ना हाथ मारा, पेंट नीचे गिर गया, देखो नीचे पेंट गिरा हुआ उसकी गाड़ी का, उसका पेंट लगा हुआ ना, ये देखो दिखाओ। कोई सिल्वर गाड़ी वाला भाई पेंट दान करके चला गया, हो जाएगा ना, ये तो लोहा ही है पूरा। चलो टेस्ट हो गया ना, मतलब मजबूत है भाई, देख रहे हो बिम्बरा 4x4 हमें गाड़ी भी मिल गई। किसने करा है पेंट दान भैया, आपके सामने हुआ आपके जो लगी है ना, हाँ वो तो किसी दूसरी गाड़ी उसका कबाड़ा हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया उनका। उस बीच की थी ना, वो ऐसे कर रहे थे बाइक में, आवाज मार रहे मेरे सर, रोको हाँ। गाड़ी चली गई। चलो भाई ये नहीं थी, ये नहीं थी भाई, देख लो गाड़ी अमन भाई घर आने का नाम नहीं थी, खड़े खड़े यहाँ टुके जा रही है गाड़ी। अब चलो यार अलॉय लगवाने चले। फाइनली भाई अपनी थार चला रहा हूँ आज मैं, महीनों बाद, लिटरली मेरे ख्याल 2-3 महीने हो गए होंगे थार चला रहा हूँ। आज हमारी गाड़ी का बम्पर भी टेस्ट हो गया, किसी भाई ने फ्री में कर दिया हमारे लिए टेस्ट। थोड़ा सा पिकअप मेरे को गाड़ी का कम लग रहा है, रीजन आप लोगों को पता ही है, आगे पीछे लोहे के बम्पर्स हैं एंड ये सारा कुछ है। सो आई फील द कार डेफिनेटली नीड्स अ रीमैप नाउ। तो जो नेक्स्ट मॉड हम ये सारा होने के बाद, आज रिम्स के बाद जब गाड़ी हम बिम्बरा से पिक कर लेंगे सब होने के बाद, सबसे पहला जो मॉड हम करेंगे उसको रीमैप कराना करेंगे। बस गाड़ी में ना जो पंच था वो चला गया क्योंकि वेट आ गया गाड़ी में, तो सबसे पहले रीमैप कराएंगे। और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं पुनीत भाई के यहाँ। आज देखो बारिश हो रही है, आज मैं बोल रहा हूँ ना, बारिश हो आंधी हो तूफान हो जलजला आ जाए, मैं आज अलॉय लगवा के जाऊंगा क्योंकि ये अलॉय ने हमें बहुत परेशान करा है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। एक तो ये डिजाइन ढूंढना, और इसी पे दिल आ रखा था लगाने, यही तो सोच रखा था, और बस मतलब कैसे भी ढूंढ के लाया हूं, और कैसे भी ढूंढ के बाय एयर मंगाए ये वाले, जल्दी से ये लगाते हैं, देखना गूगल मैप्स क्या रास्ता बता रहा है। और हम फ्लाईओवर में हैं, कह रहे हैं फ्लाईओवर से लेफ्ट ले, कमाल है भाई, व्हेन गूगल मैप्स इज ड्रंक। So guys, we are at Enforced Autos finally, and ये रही अपनी जानेमन हमारी थार, हमारे साथ भाई। What's up? Thank you so much भाई, finally हमारे व्हील्स का काम करवा देने के लिए। This is Pulkit's new showroom भाई, seriously amazing. Pulkit, इसमें क्या है पूरे में, just for wheels या फिर और भी चीजें? इसमें सब कुछ होगा, कस्टमाइजेशन, कार डिटेलिंग, अलॉय व्हील्स स्पेसिफिकली एंड टायर्स, ऑफ रोडिंग सेगमेंट हमारा, मतलब भाइयों की सुनी जा रही है, डिटेल्ड ऑफ रोडिंग सेगमेंट। और क्या क्या है, बन रहा है शोरूम और विद इन 5-10 डेज कम्प्लीट हो जाएगा। High end audio upgrades. इससे ज्यादा तो मेरे को पता है, क्या फायदा भैया इसको हटाओ आप। ये गलत बंदा रख लिया आपने, खुद की नहीं बता पा रहे। अभी सब कुछ होगा, अभी जस्ट 10 डेज। अच्छा पुलकित तू क्या कहता है, व्हील्स दिखा दे जो थार के लिए मंगाए हैं। एंड भाई स्पेशल थैंक्स टू भैया, उन्होंने ही मंगवा के दिए, एंड इतना टाइम लग गया व्हील्स मंगाने में जबकि वी पेड एक्स्ट्रा फॉर द व्हील्स।
टू गेट देम एयर कैरिड एंड एक्स्ट्रा पैसे लगाने के बाद भी थोड़ा टाइम लगे, बट भैया एक फायदा हमारा ही हो गया कि हमारे पास एक व्हील जो पहले आ गया था जिससे हमने कैरियर वगैरह अपना सब बना लिया, बम्पर बना लिया। फिटमेंट जरूर लेट हो गई, फिटमेंट गाइज आज थोड़ी सी लेट हो रही है, बट जो व्हील आ गया था उसके साइज से हमने बम्पर्स बना लिए, पीछे का टायर कैरियर बना लिया, हमारी गाड़ी मतलब पूरी रेडी हो गई एंड आज फाइनली व्हील्स भी लगने वाले हैं। भैया दिखा दे फिर, दिखाओ दिखाओ, आओ चला और मैं दिखाते हैं, ऐसे खतरनाक व्हील्स हैं गाइस, सीरियसली आई एम सुपर एक्साइटेड एंड बीइंग अ कार गाय आपको मेरी स्माइल दिखी रही होगी। आज मैंने वीडियो में भैया बोल दिया था बारिश हुई ना, भाई कहता बारिश में लग पाएंगे, मैं कहा जलजला भी आ जाना, आज व्हील्स लगवा के जाऊंगा मैं। किस्मत खराब है, देख कितनी खुशी से बता रहे हैं कि दोस्त का काम नहीं हो पा रहा। एंड भाई सीरियसली बता रहा हूँ, स्पेशल थैंक्स टू इनफोर्ज ऑटोज, क्योंकि मैं अभी आप लोग देख रहे होंगे द शोरूम इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सिर्फ स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने पहले ही मतलब मेरी व्हील्स का अरेंजमेंट करा है। आप देख सकते हो मशीन भी अभी प्रॉपर सेटअप नहीं है, फर्स्ट फिटमेंट, हाँ हाँ फर्स्ट फिटमेंट ये तो बोलना ही पड़ेगा, बट एनीवे मशीन वगैरह भी भैया ने सिर्फ मेरे लिए स्पेशली थोड़ी सी सेटअप कराई है कि ये हमारा काम हो जाए। एंड अभी आप देख सकते हो द शोरूम इज अंडर कंस्ट्रक्शन, बट दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट शोरूम इन दिल्ली एनसीआर कहीं भी भैया, क्योंकि मैंने आई हैव बीन टू सो मेनी पीपल एंड इतने सारे शोरूम्स, अपना भाईचारा है, प्यार है हर जगह, बट इतना बड़ा शोरूम डेडिकेटेड टू ऑटोमोबाइल्स आई हैव नेवर सीन सच अ बिग शोरूम गाइस, सीरियसली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ऊपर दो और फ्लोर्स और ऊपर बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है इनफोर्ज ऑटोज, सीरियसली अमेजिंग। एंड फाइनली ये रहे भाई, इसने इतना परेशान किया था हमारे को, थार लिए हो कितने महीने हो गए, हाँ तब से ही हम व्हील ढूंढ रहे थे ये वाला, एंड मैंने भैया को सिर्फ फोटो भेजी, मैं कहा भैया यही वाला व्हील मंगा के देना है, एंड आई वांटेड ब्लैक इसमें, बट फैक्ट्री में ब्लू ही कलर था, अब भैया कह रहे हैं कि ब्लू ही रहने दो, मैं कहता हूँ इसको पेंट करा के मैट ब्लैक कर देते पूरा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका क्या करना है, इसको ऐसे ही रखे या मैट ब्लैक कर ले, या थोड़े टाइम ऐसे रख के मैट ब्लैक कर ले, थोड़े टाइम ऐसे रख के, आप क्या कहते हो भैया ये कलर ठीक है, काली गाड़ी पर ठीक लगेगा ये, सही लगेगा। सो दिस इज आवर टायर, सेम जो हमारी एंडेवर में वही टायर है, रडार, रेनेगेड, आरटी, आपने हमारे स्पीति वाले वीडियोस में इस टायर की परफॉर्मेंस देखी है ऑन आइस, ऑन स्लश, ऑन मड, अमेजिंग, आपने हमारे ऑफरोडिंग वीडियोस में भी देखी है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफरोड टायर्स, दिस इज आरटी रगेड टेरेन, बहुत अच्छा टायर है यार ये, वन ऑफ द बेस्ट। यूजुअली अलॉयज ना आपका तो काम, आपको पता होगा ऐसे दीवार पे टंगे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते, ये पड़ा हुआ इतना सुंदर लग रहा है, एक्साइटेड था तभी मैंने आपको इसमें मोबाइल की फोटो डाल के दी, वो कितना डीप है वो अभी दिखाते हैं, -44 ऑफ, खोल के एक बार निकालियो एक बार इसको बाहर, ये देखो कौन सा मोबाइल है आपका, 13 प्रो मैक्स, ऐसे रखता हूं ना ऐसे पता चलेगा, ये देखो इट इज सो डीप गाइस, इसके स्पेक्स हैं, इट इज अ -44 ऑफसेट व्हील, 12J है ये, व्हिच मींस इट इज फ्रिकिंग वाइड, यू कैन सी हाउ वाइड इट इज, एंड जो हम इस पे टायर लगा रहे हैं दैट इज अ 33 इंच ऑफरोड टायर, दिस इज हाफ हियर एंड हाफ हियर, द लिप साइज इज दैट बिग, हाफ ऑफ द टोटल विड्थ इज लिप, सीरियसली इतना बड़ा लिप है गाइस इसमें, एंड हब बिल्कुल सेंटर में ही है, इससे और ऑफसेट भी व्हील्स आते हैं और नेगेटिव भी जा सकते हैं, आई थिंक इससे ज्यादा डालना भी नहीं चाहिए, इससे नेगेटिव जाना भी नहीं चाहिए। एंड आई हैव अ डाउट भैया, जैसे मेरी जो एंडेवर है उसमें 305s हैं, ठीक है, 33 इंचेस को 35 इंचेस को हम इनको जैसे 295-285 इसकी विड्थ कितनी होगी उस टर्म्स में, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 305 के आसपास, बिकॉज आई वाजंट एबल टू कैलकुलेट इसमें, हमें तो इंडियंस को ये वाला सिस्टम की आदत होती है ना, ये अमेरिकन जैसे करते हैं 33 इंचेस, 35-37 ऑलमोस्ट 305 के आसपास, परफेक्ट, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है एंडेवर उसमें 305/55/20 लिखा है, इसमें 33 लिखा है, दिस इज प्लस थोड़ा सा ऊपर, अच्छा उससे मोटा है और वाइड है इस रिम के लिए, तो भाई यही चाहिए होगा, एंड मुझे लगता है ये व्हील भैया इसको भी पूरा स्ट्रेच कर देगा, इस टायर पूरा व्हील को इस टायर के ऊपर बिठाना एक टास्क है, क्योंकि व्हील इतना चौड़ा है। I am super excited. जल्दी से लाइट आए हमारी और हमारा काम शुरू आ गया भाई, लगा वो व्हील भी ले आया भाई। Guys, over here. अभी प्रॉपर माउंटेड नहीं है, तो रखा हुआ है टायर, बस चढ़ा हुआ है, बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा, इट एब्सोल्युटली लुक्स अमेजिंग। आ गया भाई लक्की भाई की एक्सयूवी का नया व्हील, ये मैं भी आपका सब कुछ एक्सपोज पहले ही कर दिया कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है, ब्लैक कलर के साथ जाएगा, यहाँ इसको देखो टेंशन कितनी हो रही है, खाना ही नहीं पूरा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और बड़ी बात है ये अभी तक कलर इंडिया में ही नहीं आया, फर्स्ट टाइम जितना आप किसी चीज को चाहते हो उतना कायनात आपकी मारने में लग जाती है, उस चीज को दूर करने में लग जाती है, मैंने बोला था ना डायलॉग वीडियो की शुरुआत में, आज यही हुआ भाई, हम आए तो आई थिंक भाई बोल के कितने 2 घंटे मतलब इतने एक्साइटेड, पैर अंदर रखा हुआ, पैर लाइट चली, लाइट गई, लाइट गई, और आई अब 2 घंटे तो हो गए होंगे मेरे ख्याल, शाम के 7 ही बज गए हैं, पर अब थोड़ी उम्मीद लग रही है हमारे व्हील्स लग जाएंगे भाई, एक तो ह्यूमिडिटी इतनी खतरनाक है ना, एक हवा का इतना सा वो भी नहीं चल रहा, बिल्कुल भीगे हुए टी शर्ट वीशर्ट सब गीले, सबकी सबका बुरा हाल है, लक्की भाई हमारे फ्रेश लगते हैं एकदम सारा टाइम, मैं कार में बैठ के आ रहा हूं ना, अकेले अकेले यार हमें बिठा दो, कह रहे थार में बैठ जाओ एसी चला के, मैं क्या एक्सयूवी की एवरेज ज्यादा है,
पीछे से कार नहीं लग रही अभी, ऐसी ही लुक चाहिए अभी। ये क्या कर रहे हो, इसमें ऐसे चढ़ाना पड़ रहा है? ये क्या आप रिम की मजबूती दिखाना चाह रहे थे भैया? अभी भी नहीं चढ़ा भाई। सो गाइस ये पता क्यों हो रहा है कि हमारा व्हील इतना वाइड है और टायर जब नया आता है ब्रांड न्यू, तो थोड़ा सा उसका जो लिप होता है थोड़ा सा अंदर होता है, ऑब्वियसली एक बार चढ़ने के बाद वो स्क्रैच हो जाता है। तो पहली बार में ये बहुत वाइड व्हील पे जब टायर चढ़ाओ तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ वरी करने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ पहली बार में है, उसके बाद टायर शेप ले लेता है। भाई सभी भैया और मैं यही बात कर रहे थे कि पीछे से बिना अभी स्टेपनी के इतनी क्रेजी लग रही है गाड़ी, इसमें लग भी नहीं रहा कि लगाना चाहिए यहाँ पर व्हील। अब समझ आया भैया पंजाब में सिर्फ रिम क्यों लगा के छोड़ देते हैं। फट गया टायर, फट गया। अच्छा एक चीज है भाई, मेहनत एक बार देख लो, भाई के पसीने आप देख सकते हो, भैया की हालत देख सकते हो, आप तो अमर हो, आप तो छोड़ दो सूखे खड़े हैं। भाई उत्सव की हालत देखो, भैया की देखो, मेरी तो बहुत पसीना आता है, मेरी देख लो। लगता है लोगों को गाड़ियां वाड़ियां मॉडिफाई करना आसान है, सब एकदम अब गए और हो गया सारा काम। भाई शॉप ओनर की भी हालत खराब होती है एंड जो गाड़ी ओनर रहता है उसकी भी हालत खराब होती है। मनी वेल स्पेंट, पैसा वसूल कहते हैं भाई लोग इसको, एंड लिटरली भाई टायर देखो ये होता है नेगेटिव ऑफसेट एंड आई एम क्रेजी फॉर नेगेटिव ऑफसेट। नंबर वन कंटेंट लगता है जी आपका। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। मैं भैया को ये बता रहा था, हमारा कंटेंट ऐसा है कि हर कार का के साथ रेजोनेट करेगा, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे बीट इन द टीन्स या फिर अपने और बड़े में किसी में, हर टाइप का कंटेंट है, ऑफ रोड एंड सुपर कार सुपर बाइक सब मिक्स करके बनाते हैं। और कोई वीडियो में देखो ना, देखो आपके कार के काम जिसमें होते हैं ना, वो वीडियो जरूर देखो, मिस नहीं करना। थैंक यू। जो खर्चा होता है वो खर्चे वाले, खर्चे वाली वीडियो। इन शॉर्ट भैया कह रहे कार का काम कराते रहो, हमारे पास आते रहो बार बार। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने ही दोस्त पागल हो गए, लक्की भैया क्या कह रहे हैं, थार ला रहा हूं मैं स्कॉर्पियो की जगह थार ले लूं ऐसी बनवा देंगे। रजत कह रहा है कि जब तक मेरी गाड़ी के अलॉय नहीं लगेंगे मैं ये नहीं तक दूंगा। तो अपने दोस्त इतने पागल हो गए, मैं सोच रहा हूं रोड पे और आप लोगों का क्या हाल होगा इसको देख के। आई कांट वेट एक बार सुबह के शॉट्स लगाने के, वीडियो में नहीं पता चल रहा उतना, सुबह के शॉट्स जब लगेंगे ना तब समझ आएगा इसमें क्या है। आते हुए क्या कह रहा था, मैंने कहा थार कभी नहीं लेनी, इतनी महंगी कर दी। अरे पुलकी नहीं बता रहा, कह रहा भैया पहला ही काम ऐसा हमने इतना भारी कर दिया कि हमारे लड़के एकदम ही ट्रेंड हो गए। तो गाइस पीछे भी व्हील माउंट हो चुका है एंड अभी बात बहुत ज्यादा होगी, हमने बताया था ना शोरूम अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी लाइट्स वगैरह सब फिक्स किए, तो पीछे का व्हील लगने के बाद ऐसी लुक है। पर मेरे को और सारे भाइयों को, रजत के अलावा सबको लग रहा था कि बिना व्हील के बहुत अच्छी लुक आई थी, बहुत स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सी अच्छी लाइक अ रैंगलर, पर दिस इज आल्सो रियली गुड। इसके बाद आई जस्ट कांट वेट जब टायर कैरियर लग जाएगा फिर कैसा होगा। ओहो लाइट फ्लेक्स ऐसा है लुक, सीरियसली बता रहा हूँ। ये रिम नहीं है, ये फोन होल्डर है, ये ऐसे फोन रख लो, इसमें अपने कोई टेंशन नहीं है, इन पे बैठ हो सकते हैं सीरियसली। यार हमने सही नो गाना सर्च कर दिया टायर चेंज की बात। आई नो बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे ये गाड़ी अब आप साफ कैसे रखोगे, तो ये गाड़ी साफ रखने के लिए ली नहीं हमने, ऑफ रोडर है जल्दी रखेंगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि इन व्हील्स से आप डिसेंट ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। ऑब्वियसली थोड़ी सी लिमिट हुई है बिकॉज हमने 18 से 20 इस पे शिफ्ट किया एंड इतना नेगेटिव ऑफसेट है और इतना वाइड व्हील है, पर ऐसा भी नहीं कि गाड़ी बिल्कुल ही मतलब कहीं चढ़ ही नहीं सकती, अभी भी बहुत कैपेबल है गाड़ी, सो नथिंग टू वरी इस मामले में भी। सामने से ऐसा लुक आ रहा है, बहुत सारे हमारे भाई बोल रहे थे कि बम्पर भी अच्छा ही लग रहा है, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, बहुत बड़ा है। जैसे ही अलॉय लगे ना बम्पर देखो कितना छोटा लगने लग गया, जल्दी से इसको निकालते हैं बाहर। So guys, this is the final look of the car right now. और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, एक बार अलॉय लगेंगे ना तब हमारी बाकी सारी मॉडिफिकेशंस विल मेक सेंस। अब देखो आप लोग कह रहे थे बम्पर कितना बड़ा लग रहा है, ये देखो अलॉय लगते ही बम्पर एकदम छोटा लगने लग गया, अब या बिल्कुल एप्ट साइज का लगने लग गया, अब कितना सुंदर लग रहा है गाड़ी के साथ। आई नो रात का टाइम है, थोड़ी इतनी जस्टिस हो नहीं पा रही, बहुत लेट हो गया, हम भी अब फोन से रिकॉर्ड करें क्योंकि कैमरा में लाइटिंग बहुत इशू हो रहा है, बट भाई क्या लुक है ना, अभी तक मैंने गाड़ी चला के नहीं देखी है। रजत भाई मेरा अभी छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेके आया है और उसको मजा आ गया, और अपनी थार में भी कह रहे हो ऐसे ही डलवाएगा। आप छोटी सी टेस्ट ड्राइव का ड्रॉबैक देख सकते हो व्हील्स का, गाड़ी गंदी कितनी हुई है, पर अपनी को गंदी ही अच्छी लगती है, और रैप भी कर देंगे तो इतनी टेंशन भी नहीं होगी। बट सीरियसली गाइज इट इज़ लुकिंग अमेजिंग, ऑब्वियसली इतने भार व्हील्स का यही ड्रॉबैक है कि गंदी रही गाड़ी हमेशा बारिशों में। अब चलते हैं भाई, अब ऊपर बैठते हैं हम पुनीत भाई के साथ। अब हम ऊपर वाले स्टोर के लेवल पे आ गए हैं जहाँ इन फ्यूचर डिस्प्ले में लगेंगे सारे अलॉयज वगैरह, अभी हम लोग ऐसे बैठे हैं पर प्रॉपर यहाँ भैया लाउंज वगैरह सब कुछ बना रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड सुपर एक्साइटेड। क्या कलेक्शन लगने वाली है, क्योंकि जो जो भैया ने बातें बताई हैं और जो जो फोन में डिजाइन दिखाए हैं ना, मतलब आई थिंक भाई अब पंजाब वालों को दिल्ली आना पड़ेगा अलग हफ्ते के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा और भी इतनी सारी चीजें लुक्स
रियली ब्यूटीफुल। अभी ऐसा है और पुलकित भाई ने मेरे को इनवाइट कराया कि जब वी आर लॉन्च करेंगे फाइनल आपको जरूर आना है तो हम तब भी आएंगे भाई से मिलने। एंड आई वुड लव टू इनफैक्ट सी द शोरूम वंस इट्स कंप्लीट। एंड भाई इनफोर्स का सारा इंस्टाग्राम वगैरह पुलकित भाई का नंबर और सब कुछ लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। हमारे भाई हैं ये, बड़े भाई हैं एंड पुलकित छोटा भाई है। अपना ही शोरूम समझ के आना, जो व्हील्स वगैरह लगवाने हो, जो भी आपने करवाना हो, यू कैन हिट पुलकित अप, आप उसको कॉल कर लो, बस तंग मत करना। जेन्युइन कुछ करवाना है भाई को तभी आप उसको कॉल करना। एंड अब हम लोग चलते हैं भाई, थोड़ा सा थक गए हैं। एंड यू गाइस नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना करो। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं बिमरा 4X4 और यहाँ हमने थार छोड़ दिए। देखो ये 10 किलोमीटर की ड्राइव है और गाड़ी की हालत आप लोग देख सकते हो, पर एक फायदा है हमारे व्हील्स इतने डीप डिश हैं, रिम्स इतने अंदर हैं, ये वो गंदे नहीं होते, बाकी सब गंदा रहता है गाड़ी में। और एक चीज देखी लक्की भाई, आप मानोगे नहीं, गाड़ी की चाल में ना 19-20 भी नहीं बोलूंगा, 19.5-20 का फर्क क्या चल रही है रजत, कोई चाल में इतना फर्क ही नहीं, उतना ही गाइस स्टीयरिंग स्मूथ है, हमने गड्ढों में भी कुदा ली, सब कुदा ली ना कुछ। हाँ और एक चीज थी जो थार में बहुत मेजर दिक्कत है, जो मैं भी बहुत कंप्लेंट करता था कि थार पीछे से बहुत बाउंस करती है, वो बाउंसिनेस खत्म हो गई भाई समाओ, तो वो बाउंस नहीं कर रही है पीछे से, कहीं हिट नहीं हो रहा, रिम कितना भी बाहर है आगे भी कहीं नहीं बज रहा। एंड इसी वजह से एक रिम हमने पहले लगा के उसके हिसाब से अपना बंपर और पीछे का टायर कैरियर डिजाइन करवाया था, टायर कैरियर अभी लगा नहीं है, लगेगा। बट भाई सीरियसली बता रहा हूँ, थार से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मॉडिफिकेशन फ्रेंडली होगी है, बट मैं सीरियसली हैट्स ऑफ, एक एंडेवर और एक थार कितने भी बड़े रिम लेके चल सकती है मैंने देख लिया, कोई सस्पेंशन में खड़खड़ी कुछ नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म का भी नहीं पता क्योंकि महिंद्रा के पार्ट्स हैं, कुछ भी उड़ सकता है, टायर रॉड जुड़ सकती है, लिंकेज उड़ सकते हैं कुछ भी, बट वो तब की तब देखेंगे। अभी के लिए चाल में मतलब 19-20 का फर्क है, स्टीयरिंग कोई हार्ड नहीं हुआ, मजा आ रहा है चलाने में यार, और स्टेबल हो गई गाड़ी, ये बात तो है क्योंकि वाइडर ट्रैक हो गया। बट भाई अब तरन के पास छोड़ के जा रहे हैं और फिर सारा जब काम हो जाएगा उसके बाद अपनी जानेमन की डिलीवरी लेके आएंगे। सो दिस इज इट गाइज, बस छोटा सा अपडेट था, जल्द ही अपनी गाड़ी रेडी होगी, फिर इसकी फाइनल रिवील करेंगे।